गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के मैथ्स का एक्सरसाइज 3C स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट शुड बी एडेड टू 3.189। अब यहाँ 3.189 पे क्या ऐड करने पर हमें यानी कि 7 हासिल आते हैं, यानी कि 7 आ जाते हैं, तो हमें ये यानी कि चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा 3.189 पे क्या ऐड करने पर यानी कि 7 आ जाते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे 7 में से जब हम 3.189 माइनस करेंगे तो उस तरह से भी यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 - 3.189 इज इक्वल टू, जब हम 7 में से 3.189 को निकालेंगे तो यानी कि 3.189 पे आपका जो आंसर ऐड करने पर ये यानी कि 7 वापस आ जाएगा, तो हम इसलिए 7 में से 3.189 को सब्ट्रैक करते हैं। तो सब्ट्रैक हमें कैसे करना है, 7 - 3.189। अब हमारे पास यहाँ पे यानी कि ये डिसिमल पॉइंट में है, पॉइंट से आगे हमारे पास यानी कि यहाँ पे 3 है, लेकिन इससे पहले हमारे पास यानी कि 3 डिजिट्स है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स है जैसे 1, 2, 3, तो उतने उस डिजिट के हिसाब से हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। ये 0 ऐड किया, फिलहाल के लिए आप इस डिसिमल को रिमूव कर सकते हैं, तो 10 - 9 दैट इज 1 आ जाते हैं, फिर 9 - 8 1 आ गया। अब यहाँ पे हमारा जो बचता है 9 बचता है, तो 9 - 1 8। अब यहाँ पे हम यानी कि पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इससे पहले भी यानी कि पॉइंट था। अब यहाँ पे यानी कि 6 ही बचता है, 7 जब हम 1 कैरी करके ले गए, 6 - 3 दैट इज 3, तो हमारे पास आ जाते हैं 3.811 इज इक्वल टू 3.811। तो हम इस यानी कि 3.189 पे जब 3.811 ऐड करने पर, ये दोनों नंबर यानी कि ऐड करने पर हमारा ये 7 जो है वापस आना चाहिए, तो आप ये यानी कि चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, व्हाट शुड बी एडेड टू द डिफरेंस ऑफ 3.18 एंड 1.674 टू गेट 9। अब हमें क्या करना है, व्हाट शुड बी एडेड टू द डिफरेंस ऑफ, पहले तो हमें इन दोनों का, इसका और इसका यानी कि डिफरेंस निकालना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद जो आंसर आते हैं उस आंसर पे क्या ऐड करने पर हमें 9 वापस आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 3.18 - 1.674। अब यहाँ पे हमें डिसिमल नंबर के डिसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ पे 3 डिजिट्स है, तो यहाँ पे यानी कि 1 डिजिट कम है, तो हम इस तरह से निकालते हैं इसको, 3.18 - 1.674, 1.67 यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे यानी कि 1 डिजिट ज्यादा है, 4 भी है, तो हम यहाँ पे 0 ऐड करते हैं, तो 10 - 4 दैट इज 6। अब यहाँ पे 7 ही रह गया, 7 - 7 दैट इज 0 आ जाते हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास 11 - 6 दैट इज 5, फिर यहाँ पे हमारा जाता है 3 - 1 दैट इज 2, तो 2.506 हमारा आंसर आ जाते हैं, 3.18 - 1.674। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो था 3. यानी कि 14 था क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे हरा लिखा है, यहाँ पे 3.14 था और ये तो सही है हमारा, यहाँ पे फिर से कट करने पड़ेगा, 3.14 - 1.674, 1.674, तो क्या हुआ, यहाँ पे 0 ऐड किया, तो 10 - 4 दैट इज 6 आ गया। अब यहाँ पे 13 - 7 दैट इज 6, फिर यहाँ पे आपका रह जाता है 10 - 6, यहाँ से आ गया 10 - 4 दैट इज 6 हो गया। अब यहाँ पे यानी कि 1 कैरी किया, तो 13 - 7 दैट इज 6, 11 - 6 हो गया 5, फिर यहाँ पे आपका 0.3 - 1 दैट इज 2, 2.566 इज इक्वल टू 2.566। अब ये आ गया इन दोनों का डिफरेंस,
अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा था क्या ऐड करने पर इन दोनों के डिफरेंस में से जो आंसर निकाला इस पे क्या ऐड करने पर हमारे यानी कि 9 आ जाता है। तो हम 9 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 - 2.566। तो हम यहाँ पे निकालते हैं इसका 9 - 2.566। तो 9 से आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस 9 से आगे 0 डालते हैं 1, 2, 3। 10 - 6 हुआ 4, 9 - 6 दैट इज 3। अब हमारे पास यहाँ बचता है फिर से 9 - 5 = 4 पॉइंट। अब हमारे पास यहाँ पे 8 ही बचता है, 8 - 2 दैट इज 6.434 = 6.434। तो हम 2.566 पे ये ऐड करने पर हमारा 9 जो है यानी कि वापस आना चाहिए, मतलब इन दोनों का यानी कि जब हम ऐड करते हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं बाय हाउ मच इज द सम ऑफ 14.28 एंड 11.219 ग्रेटर देन देयर डिफरेंस। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा है बाय हाउ मच यानी कि कितना इज द सम ऑफ 14 पॉइंट। जब हम इन दोनों का सम करते हैं, सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों को जब हम सम करते हैं वो यानी कि बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, ग्रेटर देन देयर डिफरेंस। सबसे पहले तो हमें इन दोनों का प्लस करना है, फिर हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसका जो सम किया है वो यानी कि जो डिफरेंस किया है डिफरेंस के आंसर से कितना ग्रेटर आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसका सम करते हैं, सम ऑफ 14.28 प्लस 11.219। अब यहाँ पे एक डिजिट फिर से ज्यादा है तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं। 9 + 0 दैट इज 9, 8 + 1 = 9, 2 = 4, 4 = 5, 2। तो ये 25.499 सम आ गया। अब हम यहाँ पे निकालते हैं डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ 14.28 - 11.219। यहाँ पे एक नंबर कम है तो 0 डाल देते हैं। 10 - 9 = 1 आ गया, 7 - 1 = 6, 2 - 2 दैट इज 0, 4 - 1 = 3। अब ये तो 0 हो गया, तो 3.061 हो जाते हैं यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है 10 - 9 दैट इज 1 हो गया। यहाँ पे 7 - 1 = 6 हुआ 14.28, 3.061। अब क्या करते हैं इसके बाद हम निकालते हैं इन दोनों का। अब ये हो गया हमारा सम हो गया और ये हो गया हमारा डिफरेंस हो गया। तो हमें क्या करना है, ये जो सम है इस यानी कि डिफरेंस से कितना बड़ा है, इसके लिए हम इसमें से 25.499 में से इस 3.061 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 25.499 - 3.061, 9 - 1 ऐड हो गया, 9 - 6 दैट इज 3, तो यहाँ पे 4 रह गया, 5 - 3 दैट इज 2, 2.438 हमारा आंसर आ गया। तो 22.438 इतना यानी कि नंबर ज्यादा है ये यानी कि सम जो है इस डिफरेंस से। तो इसके अलावा बाकी जो दो यहाँ से बाकी 3 तक हमने किया है, तो आप दो क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए करेंगे बाय हाउ मच इज द डिफरेंस ऑफ 604 इज लेस देन देयर सम। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं हाउ मच वुड डोजन एप्पल कॉस्ट ऑफ, तो यानी कि 8.35, तो 8.35 को प्राइस ऑफ ईच एप्पल इज इतना, 8.35 मल्टीप्लाइड बाय आप यानी कि डोजन तो 12 कर सकते हैं। तो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करना है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करना है। और YouTube का जो आपका रिवीजन चल रहा था वो एक्सरसाइज 2B से 2B में चल रहा है, तो 2B में आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने कल दिया था, आपको कल करके लाना है 4, 5, 6, ये तीनों क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है फॉर YouTube के लिए। और ये आपका एज ए
होमवर्क के लिए करना है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम यहाँ से आगे जितने भी क्वेश्चंस बचते हैं वो कल यानी कि हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।